स्वागत है आपका मेरे चैनल मस्ट विजिट प्लेसेस पे। यहाँ आज हम बात करेंगे गोवा के 10 मस्ट विजिट प्लेसेस के बारे में। दोस्तों, अगर आप गोवा की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो अपने विजिट में इन प्लेसेस को ज़रूर इंक्लूड करें, जिनमें हम आपको बताएंगे गोवा के बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट्स, जैसे नाइट लाइफ, अच्छे डिस्कोस, कैसिनोज, कुछ लेस एक्सप्लोर्ड पर बहुत ही सुंदर बीचेस, एडवेंचर स्पोर्ट्स, वाटरफॉल्स, प्राचीन चर्चेस और मंदिरों के बारे में। दोस्तों, गोवा में ट्रेवल करने के लिए आप सेल्फ ड्रिवन कार या बाइक रेंट पर ले सकते हैं। बाइक या स्कूटी का रेंट लगभग 300 से 500 रुपये पर डे और कार का रेंट लगभग 1000 रुपये पर डे होता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं गोवा के मस्ट विजिट प्लेसेस। नंबर 1, आरंबोल बीच। दोस्तों, शुरुआत करेंगे एक ऐसे बीच से जो कि बहुत ही बेहतरीन और भारतीयों द्वारा कम एक्सप्लोर्ड है, आरंबोल बीच। ये बीच गोवा के कैपिटल पणजी से 35 किलोमीटर दूर है। इस बीच को रशियन बीच भी बोला जाता है। इस बीच के मेन अट्रैक्शन हैं यहाँ की खूबसूरती और यहाँ पे आए हुए इंटरनेशनल टूरिस्ट। इस बीच के दो पार्ट्स हैं, पहला मेन बीच और दूसरा स्वीट वाटर लेक। स्वीट वाटर लेक के लिए आपको मेन बीच से लगभग 1 किलोमीटर पैदल चलना होगा। अगर आप आरंबोल आएँ तो स्वीट वाटर लेक ज़रूर जाएँ। रात को इस बीच पर कैंडल लाइट डिनर करने का मज़ा ही कुछ और है दोस्तों। रुकने के लिए समंदर किनारे बहुत सारे बीच शैक्स और बीच हट्स हैं जो कि सस्ते रेट्स पर अवेलेबल होते हैं। गोवा घूमने आए हुए लोगों के लिए आरंबोल एक ड्रीम डेस्टिनेशन से कम नहीं है। अगर आप गोवा जा रहे हैं तो आरंबोल जाना ना भूलें। नंबर 2, पालोलिम बीच। दोस्तों, पालोलिम बीच की गिनती साउथ गोवा के कुछ बेहतरीन बीचेस में की जाती है। ये पणजी से लगभग 70 किलोमीटर दूर है। इस बीच के मेन अट्रैक्शन से एडवेंचर स्पोर्ट्स कायाकिंग, डॉल्फिन राइड और आसपास की आइलैंड राइड्स, जिनका मजा उठाना आप ना भूलें। एडवेंचर स्पोर्ट्स कायाकिंग के लिए आपको 200 से 300 रुपये खर्च करने होंगे। दोस्तों, डॉल्फिन राइड तो गोवा में आप कई जगह कर सकते हैं, पर जो मज़ा पालोलिम बीच पर डॉल्फिन राइड करने का है वो कहीं और नहीं। इसके लिए आपको लगभग 1500 से 2000 रुपए खर्च करने होंगे। मेरा सजेशन है कि आप अपनी विजिट में पालोलिम बीच ज़रूर इंक्लूड करें। नंबर 3, नाइट लाइफ। अब कुछ बात गोवा की नाइट लाइफ के बारे में करते हैं दोस्तों। गोवा में डिस्कोस का भरमार है, पर मैं आपको कुछ ऐसे अच्छे डिस्कोस के बारे में बताऊंगा जहां आप अपने पार्टनर या दोस्तों के साथ यादगार वक्त बिता सकते हैं। क्लब कबाना, टीटोज, मैम्बोज, LPK, सिंक, साइलेंट नॉइस क्लब, लेपर्ड वैली कुछ अच्छे डिस्कोज में आते हैं। आप अपने बजट के अनुसार और म्यूजिक की पसंद के अनुसार इसमें किसी का भी चुनाव कर सकते हैं। इनकी एंट्री फी लगभग 1500 से 4000 तक के रेंज में है। नंबर 4, चपोरा फोर्ट। चपोरा फोर्ट वही फोर्ट है दोस्तों जहाँ दिल चाहता है मूवी का ये सीन शूट हुआ था। चपोरा फोर्ट पणजी से लगभग 21 किलोमीटर दूर है। फोर्ट तक पहुंचने के लिए आपको लगभग 250 से 300 मीटर की पैदल चढ़ाई करनी होगी, पर जब आप ऊपर पहुंच के खूबसूरत व्यू देखेंगे तो चढ़ाई करने में लगी हुई मेहनत वर्थ लगेगी। कुछ समय अपनों के साथ यहां गुजार के आप बिल्कुल रिलैक्स फील करेंगे। सनसेट का नज़ारा चपोरा फोर्ट से देखते ही बनता है। फोटोग्राफी के लिए जगह बिल्कुल परफेक्ट है दोस्तों। नंबर 5, दूधसागर वाटरफॉल। दोस्तों, वैसे तो गोवा में कई वाटरफॉल हैं, पर उनमें से बेस्ट दूधसागर वाटरफॉल पणजी से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पे कॉलम विलेज साउथ गोवा में है। दूधसागर वाटरफॉल पर तक पहुंचने के लिए आपको गवर्नमेंट अप्रूव्ड जीप से जाना होगा, जो कि लगभग 45 मिनट की ड्राइव के बाद आपको वाटरफॉल तक पहुंचा देगी। जीप आने जाने का पर पर्सन चार्जेस अप्रॉक्सीमेटली 500 रुपये लेती है। लगभग 310 मीटर की ऊंचाई से गिरता हुआ पानी दूधसागर वाटरफॉल को हमारे देश की कुछ हाईएस्ट वाटरफॉल में से एक बना देता है। दोस्तों, ये वही जगह है जहाँ पे चेन्नई एक्सप्रेस मूवी का ट्रेन वाला सीन शूट हुआ था। नंबर 6, बागा और कलंगुट बीच। दोस्तों, शायद ही कोई टूरिस्ट होगा जो गोवा जाए और बागा और कलंगुट बीच ना जाए, तो मेरी मानिए यहाँ जरूर जाइए। भीड़ भाड़ से भरे हुए बीच गोवा की पॉपुलर डेस्टिनेशन में से एक है। वाटर स्पोर्ट जैसे पैरासेलिंग, बनाना राइड, जेट स्की और बम्पर राइड इन दोनों बीचेस पे करे जा सकते हैं। पूरे वाटर स्पोर्ट्स करने का पैकेज लगभग 4000 पर हेड तक आता है। बागा बीच और कलंगुट बीच पे बीच शैक्स का भरमार है, जहां आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ समुद्र में नहाने और रिलैक्स करने का मजा उठा सकते हैं। अल्टरनेटिवली, अगर आपको भीड़ भाड़ से थोड़ा दूरी बनाकर समुद्र का किनारे इंजॉय करना है तो आप सिंकेरिम बीच जा सकते हैं, जो कि बागा से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पे है और कम भीड़ भाड़ है। यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स के ऑप्शन भी अवेलेबल है। नंबर 7, कैसिनोज। मांडवी रिवर में तैरते हुए शिप्स में कैसिनोज गोवा की मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से एक है। डेल्टन रॉयल,
डेल्टन जैक कैसीनो प्राइड 1 और 2, महाराजा कैसीनो कुछ अच्छे कैसीनोज में से हैं। इनकी एंट्री फी लगभग 2000 से 4000 रुपए तक होती है। एंट्री फी में इंक्लूडेड होता है कैसीनो में खेलने के लिए कुछ चिप्स, अनलिमिटेड फूड और ड्रिंक्स। नंबर 8, चर्चेस। दोस्तों, अगर आपने गोवा आकर यहाँ के चर्च नहीं देखे तो आपकी ट्रिप अधूरी है। हम आपको बताएंगे गोवा के 2 बहुत फेमस चर्चेस के बारे में जो कि बहुत अच्छे टूरिस्ट स्पॉट्स भी हैं। पणजी चर्च, जिसे आवर लेडी ऑफ इमैकुलेट कंसेप्शन चर्च भी कहा जाता है, ये गोवा का सबसे पुराना चर्च है जिसका निर्माण सन 1541 में हुआ था। दूसरा चर्च है बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, या कि ओल्ड गोवा चर्च, जो कि पणजी सिटी से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर ओल्ड गोवा में है और दुनिया भर के क्रिश्चियंस के बीच में बहुत मायने रखता है। इसका निर्माण सन 1605 में हुआ था। इस चर्च की खास बात है कि यहाँ सेंट फ्रांसिस जेवियर की बॉडी पिछले 450 सालों से प्रिजर्व है और जिसे हर 10 साल पर दर्शन के लिए निकाला जाता है। नंबर 9, श्री शांता दुर्गा और मंगेशी टेम्पल। श्री शांता दुर्गा मंदिर पणजी से लगभग 33 किलोमीटर की दूरी पर पोंडा सिटी में है। पुराणों के अनुसार एक बार भगवान शिव और भगवान विष्णु के बीच बहुत ही उग्र युद्ध हो गया। तब खुद ब्रह्मदेव ने देवी पार्वती से उस युद्ध को रोकने की प्रार्थना की। देवी पार्वती ने देवी शांता दुर्गा का रूप धारण कर उस युद्ध को रोका। दूसरा प्राचीन मंदिर है मंगेशी मंदिर, जो कि पणजी से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। पोंडा सिटी की मुगारी पहाड़ियों के बीच बनाए मंदिर 18वीं शताब्दी का है। मंगेश भगवान शिव का ही एक रूप है। अगर आप गोवा को उसके बीचेस और नाइट लाइफ से कुछ हट के देखना चाहते हैं तो आपको इन मंदिरों के दर्शन करने जरूर जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे गोवा के प्रमुख स्थान, जहाँ जाए बिना आपका गोवा जाना अधूरा ही रह जाएगा। आप सबसे मेरा निवेदन है कि मेरे चैनल मस्ट विजिट प्लेसेस को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और अपने गोवा के एक्सपीरियंस हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।